मिडिल ईस्ट में इसराइल हमास युद्ध के चलते पहले ही तनाव की स्थिति थी और अब नया तनाव इसराइल और ईरान के बीच पैदा हो गया है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके चलते अब जल्द ही इसराइल भी ईरान पर हमला बोल सकता है, जिसके चलते एक पूरा मिडिल ईस्ट तबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अब अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो मिडिल के अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। दोनों देशों के पास विशाल सैन्य शक्ति और खतरनाक हथियार हैं। अगर युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो काफी बड़ा नुकसान आसपास के देशों को भी पहुंच सकता है। इसराइल और ईरान दोनों ही मिडिल ईस्ट के बड़े देश हैं और शक्तिशाली भी हैं, जिसके चलते ही एक बड़े संग्राम की आहट पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान ने कुल मिलाकर 331 मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल पर 13 अप्रैल 2024 की रात को हमला किया। इनमें शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन्स थे जो 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकते हैं, 50 किलो वॉरहेड ले जा सकते हैं। इसके अलावा एमाद बैलिस्टिक मिसाइल दागी, ये 1700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। इसके अलावा कुछ और बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया जिसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन 30 से ज्यादा पावेह क्रूज मिसाइलों से इसराइल पर हमला हुआ। इसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, लेकिन इतने हमले के बावजूद इसराइल ने 99% हवाई खतरों को अपनी एयर डिफेंस प्रणाली से मार गिराया। सभी 185 आत्मघाती ड्रोन्स को इसराइल के आयरन डोम और एरो 3 हाइपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया। 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 103 को मार गिराया। ईरान की ओर से दागी गई सभी 36 क्रूज मिसाइलें भी इसराइल ने मार गिराई। सिर्फ 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को इसराइल गिरा नहीं पाया। तो क्या होता है इंटरसेप्शन? जब दुश्मन अपने फाइटर जेट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से हमला करता है तब उसे अपनी सीमा पर आने से पहले आसमान में या अंतरिक्ष में रोककर उसे बर्बाद कर देना या फिर सीधा हमला करके उसे खत्म कर देने को ही इंटरसेप्शन कहते हैं। इस काम में इसराइल का आयरन डोम, सी डोम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने मदद की। एमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो व्यास है वो है 1.25 मीटर। इसमें एक ही वॉरहेड लगता है जिसका वजन 750 किलोग्राम होता है। इसकी सीईपी 10 मीटर है, यानी टारगेट के 5 से 10 मीटर इधर उधर भी गिरा तभी टारगेट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में मैन्युवरल रीएंट्री व्हीकल भी है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी दिशा बदली जा सकती है। इसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये देखने में शहाब 3 मिसाइल की तरह दिखता है। 2016 से ईरानी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। गद्र 110 भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1800 से 2000 किलोमीटर है। ये 11,113.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल और IRBM की कैटेगरी में रखते हैं। ये मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस और GPS नेविगेशन के आधार पर चलती है। 2 स्टेज की मिसाइल में पहला स्टेज लिक्विड और दूसरा सॉलिड फ्यूल वाला है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर है। शाहिद ड्रोन भी कमाल का है। दरअसल ये ईरान का लॉयंटरिंग म्यूनिशन है, यानी आत्मघाती हमलावर ड्रोन। इस ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया गया। इसका विंग स्पैन 3 मीटर का होता है, लंबाई 2.5 मीटर होती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनकी कुल कीमत करीब 250 से 417 करोड़ रुपए है। फिर उसने 36 से 45 क्रूज मिसाइलें दागी जिनकी कीमत है करीब 33 करोड़ 41 लाख से 58 करोड़ 47 लाख रुपए। 170 शाहिद आत्मघाती ड्रोन्स भी दागे, इनकी कीमत करीब 33 से 54 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए 520 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिया है, जबकि इसराइल को खुद को बचाने में 92,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।